अब आपने ठान लिया है कि मुझे जीवन में सफल होना है और जीवन में उन्नति करनी है, अपने देश का नाम ऊंचा करना है और इस समाज के लिए कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। बस आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ऊंची है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर सोच आपकी ऊंची नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़ा सोचो और बड़ा करो और अपने लक्ष्य पर अड़े रहो, ताकि जीवन में जो भी बाधाएं आए आप उनका डटकर मुकाबला कर सकें। बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और आलस्य अगर करोगे तो जीवन में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने लक्ष्य पर आप नज़र बनाए रखे हैं तो मैं कहता हूँ, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। सोच को ऐसी मजबूत बना लो कि मुझे ये काम करके रहना है और अपने जो लक्ष्य बनाए हुए हैं वो मुझे पार करने हैं। तो आज से ये ठान ले और 2022 में यह तय कर ले कि मुझे जो अपने लक्ष्य मिले हैं मुझे वो पार करने हैं, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े और कोई परिस्थिति आए, मुझे अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकेंगे। तो दोस्तों, कभी भी आप हिम्मत ना हारें, अपने जुनून को कम ना होने दें, अपने पथ पर आप चलते रहिए, क्योंकि परेशानियां ज़रूर आएगी लेकिन आपको थकना नहीं है। और आपके पास ना कोई बहाना होना चाहिए, फिर आप अपने लक्ष्य पर ज़रूर कामयाब होंगे। आप देखिए, आपके सामने जीते जागते उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर, जिसे दुनिया परिचित है, उसने कभी सोचा था कि मैं इतना बड़ा प्लेयर बनूंगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो इतने बड़े मुकाम पर हैं वो किसी के लिए सपना है, और वो सचिन ने कर दिखाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, जो आम व्यक्ति से अब किस मुकाम पर है वो आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। तो दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने रास्ते को चुनिए, जिस पर आप चलना चाहते हैं तो उसे आप पूरा करिए और एक जुनून पैदा करें अपने अंदर, और इस तरह से आप अपने जीवन में ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे।